इस ट्यूटोरियल में हम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के मेथड से रियल लाइन के ऊपर अगर कोई नंबर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो रियल लाइन या नंबर लाइन ये क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन, नंबर लाइन मतलब जैसे आपके पास ग्राफ पेपर होता है, ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे आप क्या करते हो कि किसी एक पॉइंट को आप ऐसे ज़ीरो मार्क कर देते हो और फिर इस साइड पे आप 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इस तरफ -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये आप इस तरह से मार्क करना शुरू कर देते हो, ठीक है। मतलब नंबर लाइन मतलब एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर मैं हर एक रियल नंबर, रियल नंबर मतलब जो कलेक्शन होता है रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का, कोई भी नंबर, जैसे मान लो 1.5, ठीक है, तो 1.5 को अगर मुझे इस लाइन पे फाइंड आउट करना हो तो 1 और 2 के बिल्कुल बीच में यहाँ पे ये मुझे 1.5 मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब को हम इस लाइन के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। ओके, ये बात भी ठीक हो गई। अब हमें अगर नंबर लाइन के ऊपर कोई एक नंबर फाइंड आउट करना हो, जैसे 1.5 था, ये तो सिंपल था कि 1 और 2 इन दोनों के बीच में 1.5 बिल्कुल मिड में आ गया तो मैंने मार्क कर दिया। अब मान लो मुझे फाइंड आउट करना हो 2.65, तो मुझे ये पता है कि 2.65 2 और 3 के बीच में कहीं पे होगा, तो इसको क्लोजली फाइंड आउट करने के लिए कि कहाँ पे ये लाई करता है नंबर लाइन पे, उसके लिए हम सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का मेथड फॉलो करते हैं। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो उससे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझो। देखो 2 से लेके 3 ये जितना भी पोर्शन होगा, जैसे ये इतना पोर्शन है, ठीक है, ये इतनी लेंथ है, मान लो मैं इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ, जैसे मैंने लेंस लगा के इसको देखा और इस लाइन को मैंने इतना लंबा यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देख लिया कि ओके 2 यहाँ था और 3 यहाँ। अब इसके बाद इसको मैं अगर बराबर के 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, जैसे मान लो ये मैं ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है, तो ये 2 है, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2.1, ये क्या हो जाएगा 2.2, देन 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर 3.0, ठीक है, यही होगा। मैंने 10 बराबर के पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया 2 से लेके 3 तक को, तो यही नंबर मिलेंगे मुझे, राइट। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इधर लिखना शुरू करता हूँ। मान लो कि ये 2 था और ये 3 और मैंने इसको बराबर के 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 2.1, 2.2, तो मैं क्विकली लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास ये नंबर आ गए, ठीक है। अब मुझे 2.65 को क्लोजली आइडेंटिफाई करना है, मार्क करना है कि वो कहाँ पे होगा। अब मुझे पता है कि 2.65 2.6 से बड़ा होगा और 2.7 से छोटा होगा, राइट। तो अगर मैं अब इस सेक्शन को, इतने से पार्ट को 2.6 से लेके 2.7 तक, अगर मैं इसको अगर मैं अब मैग्नीफाई करके देखूं और मैं इस तरह से इसको मैग्नीफाई कर दूं और एक और लाइन ड्रॉ कर दूं जो 2.6 से लेके 2.7 तक हो, यूं समझ लो कि जैसे मैंने माइक्रोस्कोप से इसको बड़ा करके देख लिया, तो मुझे अब ये लाइन इतनी बड़ी नज़र आ रही है, ठीक है, जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब इसको भी तो मैं 10 बराबर के पार्ट्स में काट सकता हूँ, ठीक है, 2.6 के बाद ये हो गया से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 2.7, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2.61, ये 2.62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 2.7, यही बनेगा ना, ये हो जाएगा 2.69 और फिर 2.7, राइट। कोई इशू तो नहीं है इसमें। देखो अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो ये मेरे पास एक नंबर है 2.6 और एक नंबर है 2.7, ठीक है, 2.6 और 2.7 इन दोनों का बिल्कुल मिड क्या होगा, बिल्कुल मिड 2.6 और 2.7 को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो यानी कि 2.65 है ना, तो ये जो बिल्कुल मिड होगा ये 2.65 होगा, राइट, ये 2.65
2.65 यानी कि एक तरह से मैं 65 से लेके 70 तक जा रहा हूँ। वैसे ऐसे बोलते नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 65 से 70 तक जा रहा हूँ, तो फिर 66, 67, 68, 69 आएगा। इधर 2.60 से 65 तक जा रहा हूँ, 60 से 65 तक एक तरह से आप यूँ समझो इसको, तो यानी कि 61, 62, 63, 64, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 2.61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70, ठीक है। तो इसी तरह से अब मैंने इसको जब इस पोर्शन को अब मैं इसकी सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन करता हूँ, यानी कि मैं कॉन्टीन्यूसली मैग्नीफिकेशन करता ही जा रहा हूँ, तो ये इसको अगर मैं 2.6 मान लूँ, इसको मैं मान लूँ 2.7, तो ये हो गया 2.61, तो मैं क्विकली लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास ये नंबर आ गए। अब मुझे फाइंड आउट करना था 2.65, तो ये रहा मेरा 2.65 इस पॉइंट पे, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये मैंने इसको सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैसे कहाँ लाई करेगा। तो कहने का मतलब जैसे 2.65 मुझे फाइंड आउट करना है, तो पहले मुझे पता है ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो पहले मैं 2 और 3, तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ ये भी मैं समझाता हूँ आपको। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड सी प्रैक्टिस हो जाती है और ये बड़ा आसान होता है। आप एक 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करो, 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन, तो ये हो गया 2, 3। फिर उसको दोबारा से आप ऊपर भी आप कर सकते हो, लेकिन जस्ट मैंने और अच्छे से समझाने के लिए इसको एक बार और नीचे ड्रॉ कर लिया और 2 और 3 को एक एक सेंटीमीटर पे एक एक पॉइंट लगाना शुरू किया। तो ये मैंने वहाँ पे जैसे मुझे पॉइंट चाहिए थे 2.1, 2, 3, 4, वो सारे मेरे को अच्छे से मिल गए बिल्कुल एक एक सेंटीमीटर के डिफरेंस पे। उसके बाद 2.6 से 2.7 फिर से मैंने एक 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ की और फिर एक एक सेंटीमीटर पे फिर से पॉइंट्स ड्रॉ करने शुरू किए। सबसे पहले मैंने 2 और 3 ये एक लाइन ड्रॉ की, फिर उसके बीच मैंने 2.6 को फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो 2.6 मिला। फिर 2.6 और 2.7, 2.6 और 2.7 क्योंकि 2.65 उन दोनों के बीच में लाई करता है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि आप 5.37 बार, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये है 5.37777777, ये चलता ही रहेगा 77 इन्फिनिटी तक, ठीक है। हमें इसको फाइंड आउट करना है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है 5.37777, ठीक है। तो ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे इसको फाइंड आउट करना है, तो बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले मुझे पता है कि ये नंबर 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ठीक है। 5.3777 जो है वो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो यानी कि ये अगर मेरी रियल लाइन है तो ये 5 और 6, मुझे सबसे पहले इतने सेक्शन को, इतने पोर्शन को मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तो ये मैं मान लेता हूँ 5 और ये हो गया 6। तो अब फिर से वही वाली बात कि जैसे 5.0 से लेके 6.0, इसको अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये 5.1, 5.2, 5.3 एंड सो ऑन अप टू 5.9 एंड देन 6.0 ऐसे जाएगा। तो यहाँ मैं क्विकली लिख देता हूँ, से ये हो गया 5.1, 5.2, ठीक है। तो ये मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और किया मैंने अभी भी वैसे ही है, हर लाइन मैंने 10 सेंटीमीटर लंबी ड्रॉ की है क्योंकि उससे आसान रहता है, और फिर एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने ये पॉइंट्स लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए 5.3, ठीक है। तो ये 5.3 मिल गया, तो 5.3777 अब इससे बड़ा होगा 5.3 से, यानी कि 5.37777 जो है ये 5.3 से तो बड़ा है लेकिन 5.4 से छोटा है, ठीक है। तो यानी कि 5.3 और 5.4 ये इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, और अब आप यूँ समझ लो कि मैंने इसको मैग्नीफाई कर लिया, ठीक है, जैसे लेंस लगा के देख लिया या माइक्रोस्कोप लगा के देख लिया, जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट हो गया मेरा 5.3 और ये हो गया 5.4, और अब फिर से वही वाली बात कि 5.3 को मैं 5.30 लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ 5.40, राइट। और फिर इसको अगर 10 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 5.31, 5.32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। मैं ऐसे अगर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट्स मिलेंगे मुझे,
तो कहने का मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 5.31, ये हो जाएगा 5.32, 5.33 एंड सो ऑन। तो अब मुझे नेक्स्ट नंबर क्या चाहिए, अब नेक्स्ट मुझे चाहिए, देखो 5.3 तक तो हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, अब अगला है 5.37, राइट 5.3, अब 7 तक चलते हैं, तो 5.37 तो मुझे ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये भी पता चल गया 5.37 कहाँ पे है, लेकिन हमारा एक्चुअल नंबर क्या है 5.3777, तो ये 5.37 से तो बड़ा है लेकिन 5.38 से छोटा है, राइट। अगर आप इतने पोर्शन को देखोगे तो ये तो इतना ही है, लेकिन इसमें इस नंबर में इतना एक्स्ट्रा अभी और हमें चाहिए, राइट। तो ये नंबर इससे 5.37 से बड़ा है लेकिन 5.38 से छोटा है, तो यानी कि यह 5.37 और 5.38, तो अब हमें इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तो ये होगा 5.37 और 5.38, और फिर यही प्रोसेस मेरी कंटिन्यू होती रहेगी। मैं एक बार और बताता हूँ कि जैसे 5.37 से 5.38, तो इसको मैं 5.370 भी लिख सकता हूँ और इसको 5.380 भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसको भी अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो ये क्या आ जाएगा 5.371, 5.372। तो मैं क्विकली लिख के आपको समझाता हूँ। देखो इसको अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो ये जो 5 वाला पार्ट है इसको आप इग्नोर कर दो डॉट वाला, तो ये एक्चुअली 370, 371, 372, राइट 373 एंड सो ऑन अप टू 380 है, राइट। वैसे ऐसे बोलते नहीं है लेकिन जस्ट मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि ये एक तरह से 370 और 380 इनको अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, 10 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो बीच में नंबर तो यही मिलेंगे ना 371, 372, 373, राइट। अब हमें कहाँ तक जाना है, 377 तक, राइट 377 तक एक डिजिट और चाहिए, तो यानी कि वो यहाँ पे मिलेगा। तो मतलब अब इसको 5.371 लिख सकता हूँ और इसको 5.372 ये हो जाएगा, तो मैं क्विकली लिख देता हूँ यहाँ पे भी। तो अब जो मेरे पास 377 मुझे अब अगला नंबर ये चाहिए तो वो मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये मुझे यहाँ मिलेगा, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अब देखो हम 5.377 तक पहुँच गए, राइट 5.377 तक पहुँच गए, लेकिन हमें अभी भी दो डिजिट्स और चाहिए 77। हम सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो यानी कि 5.377 ये नंबर अभी भी इससे बड़ा है और 5.378 से छोटा है, यानी कि ये नंबर अब इसके बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं लाई करेगा। तो अब मैं क्विकली बता देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया, आप खुद कर सकते हो। अब ये जो पॉइंट मेरा बनेगा ये बनेगा 5.377 और ये पॉइंट बनेगा 5.378, ठीक है। मैंने इतने पोर्शन को फिर से मैग्नीफाई कर लिया, अब मुझे फिर से आगे कहाँ तक जाना है, आगे मुझे 7 तक जाना है, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यानी कि ये पार्ट जो है ये नंबर मेरा क्या होगा 5.3777 और ये होगा मेरा 5.3778। अब मैं इस पार्ट को मैग्नीफाई करूँगा तो मेरा ये नंबर बनेगा 5.3777 और ये हो जाएगा 5.3778 और फिर इसके 10 पार्ट्स किए और मुझे कहाँ तक जाना है 7 तक, तो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये नंबर आप खुद ही लिख लेना। तो ये जो मेरा पॉइंट बनेगा ये पॉइंट होगा 5.37777। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।